गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ एनवायरनमेंट स्टडीज। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 14। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 108, जिसका नाम है फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन। फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स पाचन, खाने से लेकर पाचन तक के बारे में। हम खाते हैं, क्या खाने हम जो खाते हैं खाना, उसको खाने के से लेकर जो पाचन होता है हमारा, कैसे हमारा खाना पचता है अंदर जाके पेट में, उस प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि हमारा भोजन कैसे पचता है, है ना, खाने से लेकर पाचन तक। लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग लंच ब्रेक रोहन वाज फास्टली स्वालोइंग द फूड विदाउट चिंग। ड्यूरिंग लंच ब्रेक के दौरान रोहन क्या कर रहा था, बहुत तेजी से बिना चबाए हुए खाने को निगल रहा था। स्वाइलिंग मीन्स निगलना। व्हाइल वरुण वाज ईटिंग फूड आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली, जबकि जो वरुण था वो ठीक से चबाने के बाद ही खाना खा रहा था। कब? लंच में। वरुण पॉइंटेड आउट टू रोहन एंड सेड दैट ही शुड ईट फूड बाय च्यूइंग। वरुण ने रोहन को इशारा किया और कहा कि उसे खाना चबाकर खाना चाहिए। मतलब वरुण ने उससे बोला रोहन से कि खाना चबाकर खाना चाहिए। व्हेन रोहन आस्क्ड इट्स रीजन, जब रोहन ने इसका कारण पूछा तो वरुण ने कहा, यस्टरडे कल व्हेन आई वाज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रहा था, है ना, बॉइल्ड पोटैटो उबला हुआ आलू खा रहा था, तो देन माई मदर आस्क्ड मी टू ईट द पोटैटो बाय च्यूइंग। तब वो आलू खा रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आलू चबाकर खाने को, हाँ, उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा कि आलू चबाकर खाना है। So I would feel good, इसीलिए मैंने अच्छा महसूस किया, मतलब मुझे वो आलू बहुत अच्छा लगा। When I ate potato by chewing, जब मैंने आलू को चबाकर खाया तो it tasted sweeter and I swallowed the potato easily, जब उसने उस आलू को चबाकर खाया तो वह मीठा हो गया और उसे मैं निगल गया। वो बोलता है कि जब मैं उबला हुआ आलू खा रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे पूछ कहा कि आलू को चबाकर खाओ, तो मैंने जब आलू को चबाकर खाया तो आलू बहुत ही मीठा लगा और निगलने में भी आसानी हुई, अच्छे से निगला गया वो। फिर द टीचर हु वॉज स्टैंडिंग नियर, जो शिक्षक उनके पास खड़े हुए थे, दे टोल्ड दैट व्हेन फूड वॉज सर्व्ड प्रॉपरली, जब उनके पास कोई टीचर खड़े हुए थे तो उन्होंने बताया कि जब भोजन ठीक से चबाया जाता था, मतलब जब भोजन ठीक से चबाया जाता है तो इट प्रोड्यूस्ड सलीवा, सलीवा मीन्स लार, विच मॉइस्टेंड फूड, जब भोजन को प्रॉपरली, है ना, तरीके से चबाया, मतलब चबाया जाता है, ठीक तरह से चबाया जाता था, तो इससे लार का उत्पादन होता था, जो भोजन को मॉइस्टेड मीन्स नम करता है, ना। सलीवा कन्वर्टेड स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर ग्लूकोज, जो सलीवा होती है वो लार होता है, लार ने स्टार्च प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को चीनी ग्लूकोज में बदल दिया। ड्यू टू दिस ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के कारण आवर फूड टेस्टेज, तो मतलब जैसे हम उसको चबा के खाते हैं तो लार फिर होता है, तो लार इसमें स्टार्च में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में, इसको शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज के कारण आवर फूड टेस्टेड, हमारा जो खाना होता है वो टेस्ट स्वीट, कैसा हो जाता है वो, टेस्ट में स्वाद में मीठा हो जाता है, और डाइजेशन टू फूड टेक प्लेस, और भोजन का पाचन होता है, मतलब स्वाद, जब हम उसको अच्छी तरह से चबाते हैं तो भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है और वह अच्छे से पच जाता है, तो इसलिए हमें भोजन को चबाकर ही खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी। अब फूड इज च्यूड बाय आवर टीथ, भोजन हमारे दांतों द्वारा चबाया जाता है,
किसके द्वारा जमा जाता है, दांत के द्वारा। देन थ्रो द फूड पाइप, इट गोज इनटू स्टोमक। जब भोजन हमारे दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर भोजन नली के माध्यम से पेट में जाता है। किस में जाता है? नली के माध्यम से पेट में जाता है। दांतों से चबा के नली के माध्यम से पेट में जाता है, फिर इनटू स्टोमक। फ्रॉम देयर इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद क्या होता है, जो भोजन है वो पेट में भोजन नली के माध्यम से पेट में जाता है। पेट में जाने के तो वहीं से वो छोटी आंत और बड़ी आंत में भी जाता है। हमारे पेट के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों होती है, तो उसमें जाता है। इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव फ्लड्स। फ्लड्स मीन्स तरल पदार्थ। फिर उसके बाद पेट और आंत में भोजन पाचन तरल पदार्थ द्वारा पच जाता है, मतलब अंदर जो होता है पाचन तरल पदार्थ होता है उसके द्वारा वो पच जाता है। अनडाइजेस्ट फूड गेट्स कलेक्टेड इन रेक्टम। रेक्टम मीन्स होता है मलाशय। जो अनडाइजेस्ट बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो किसमें, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर एकत्रित हो जाता है एंड इज देन एक्सक्रेटेड लेटर ऑन। और फिर ये बाद में उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है ये, है ना। जो अनडाइजेस्ट होता है ये मलाशय में, फिर वो हम मतलब निकल जाता है बाहर, उसको अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं ना तो वो निकल जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना रखा है पूरा, इसको ध्यान से देखना और आपको बनाना भी है इसको आपकी नोटबुक में। तो देखो ये क्या है, पेरियोटिड ग्लैंड, उपकर्ण ग्रंथि होती है ये, है ना। ये नली है ना, ये क्या है, फेरियंस मीन्स ग्रसनी, इसोफोगस गेगा, ये गेगा होता है यहाँ पे हमारे गले में नली के में, मतलब ये भोजन की पूरी अंदर की जो अपना पचता है ना, जैसे से जाकर ये उसमें पचता है। फिर ये स्टोमक, लीवर, जिगर, गैल ब्लैडर, पित्ताशय, ड्यूडेनम ग्रहणी होती है ये, है ना। पैंसरीज अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय, एनस गुदा, अपेंडिक्स अनुबंध, ये सब हमारे डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स हैं। डू यू नो क्या आपको पता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भोजन का अधिकांश पाचन, मतलब जो हम खाना खाते हैं, खाने का अधिकांश ज़्यादातर पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ज़्यादातर पाचन, अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। वाटर एंड सम मिनरल्स आर रीअब्सर्व्ड बैक इनटू द ब्लड इन द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। पानी और कुछ खनिजों की, जो पानी और कुछ खनिज होते हैं वो बड़ी आंत की जो कोलन होती है उसमें रक्त में पुनः अवशोषित किया जाता है। पानी और मिनरल खनिजों को बड़ी आंत में पुनः अवशोषित, पुनः सोख लिया जाता है उसको, है ना। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखो इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? ग्लूकोज से। हम हाँ, हैंड टू हैंड, मतलब तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ना, तुरंत ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। आफ्टर 4-5 hours ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद वी फील हंग्री, हमें भूख लगती है। बिकॉज, क्योंकि द फूड विच गिव अस एनर्जी गेट्स डाइजेस्ट। क्यों होता है? क्योंकि वो भोजन ही ऊर्जा देता है, वो भोजन पच जाता है। जो भोजन ऊर्जा देता है ना वो पच जाता है। 4-5 घंटे में भोजन पच जाता है तो हमें भूख लगने लगती है। इफ़ वी डू नॉट ईट द होल डे, ईट फूड द होल डे, वी फील वीकनेस। यदि हम पूरे दिन भोजन नहीं करते तो हमें कमजोरी महसूस होती है। होती कि नहीं होती हमें कमजोरी महसूस? अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें कमजोरी महसूस होती है। वंस, एक बार रोहन्स फ्रेंड शशांक हैड फॉलन ईल एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। एक बार रोहन का दोस्त शशांक बीमार हो गया था तो उसे अस्पताल ले जाया गया था। ही सा दैट अ पेशेंट वॉज स्लीपिंग ऑन बेड। उन्होंने देखा कि एक मरीज बिस्तर पर सो रहा था। एंड अ सिरिंज वॉज फिक्स्ड इन द पेशेंट्स हैंड। और क्या था वहाँ पर, मरीज के हाथ में एक सिरिंज लगी हुई थी। एंड प्लास्टिक बॉटल कंटेनिंग समथिंग लाइक वाटर वॉज प्लेस्ड नियर
द पेशेंट्स, और एक सिरिंज लगी हुई थी और प्लास्टिक की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा था उसे मरीज के पास रखा गया था, वहाँ पे मरीज के पास में रखा हुआ था। उन्होंने देखा दिस बोतल वॉज कनेक्टेड विद द सिरिंज, और वो बोतल सिरिंज से कनेक्ट हो रही थी। सीइंग दिस शशांक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट दैट वॉज, यह देखकर शशांक ने डॉक्टर से पूछा कि वह क्या था। द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उससे कहा दिस पेशेंट्स हैज गॉन वीक, यह रोगी कमजोर हो गया है। सो टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी, इसीलिए हमें उसे तुरंत ऊर्जा देने के लिए ही इज बिंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप, तुरंत ऊर्जा देने के लिए इसे ग्लूकोज की ड्रिप दिया जा रहा है, मतलब ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है। ग्लूकोज ड्रिप बिंग गिवन इन ए हॉस्पिटल, देखो एक ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा रखी है इस पेशेंट को। तो ग्लूकोज से क्या होता है, हमें तुरंत उड़ जाती है, अगर हम भोजन नहीं करते तो हमें एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ग्लूकोज की ड्रिप से हमें एनर्जी आ जाती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम भोजन खाना चाहिए। अब प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड, अब भोजन में आयरन की उपस्थिति। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, कक्षा में टीचर पढ़ा रहे थे। सोनिया वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, सोनिया क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। शी वॉज फीलिंग वीकनेस, वह कमजोर महसूस कर रही थी, कमजोरी महसूस कर रही थी। शी वॉज ऑल्सो फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। अगेन एंड अगेन शी वॉज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप्स, बार बार वह क्या कर रही थी, अपनी जीभ उसके होठों पर ला रही थी। सीइंग दिस, यह देखकर हर टीचर वेंट टू हर, यह देखकर उसके टीचर उसके पास गए एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ, और उसकी स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सिंस हाउ लॉन्ग इज दिस हैपनिंग विद यू, पूछा कि कब से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो सोनिया सेड, सोनिया ने कहा 2-3 days earlier आई फेल इल, 2-3 दिन पहले से मैं बीमार पड़ गई थी। सिंस देन आई एम नॉट फीलिंग डिज़ायर फॉर फूड, तब से मुझे भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, मैं अपनी पढ़ाई में भी दिलचस्प, मतलब मेरी मुझे अपनी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। माई स्लीप इज़ नॉट साउंड, मुझे नींद नहीं आती है। वेन आई वर्क, जब मैं वर्क करती हूँ आई बिकम टायर्ड सून, बहुत जल्दी है ना, जब मैं कोई काम करती हूँ तो बहुत जल्दी ही थक जाती हूँ, वो बोलती है टीचर से। द टीचर टुक सोनिया टू द डॉक्टर, वो टीचर सोनिया को डॉक्टर के पास ले गए। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ हर सिम्टम्स द डॉक्टर डायग्नोज्ड That she was an anemic. जांच करने के बाद उसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने बताया कि यह एक एनीमिक था। एक एनीमिक मीन्स कुछ बीमारी टाइप सी है ना, यह एक एनीमिक था। तो आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर and we will continue this chapter in our next video. Thank you.